फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 3 पढ़े हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का रूल नंबर 3 क्या है और रूल नंबर 3 से हम लोग कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 देखा था और इस वीडियो में हम लोग रूल नंबर 3 को सीखेंगे कि ये रूल क्या बोलता है, इस रूल से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है क्या रूल नंबर 3 में, व्हेन वैल्यू ऑफ 1 बाई एन, यहां पर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ 1 बाई एन डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। यहां लिखा हुआ व्हेन द वैल्यू ऑफ 1 बाई एन इंटू डेल एन बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन। जब इसका वैल्यू हम लोग निकालें और उसका जो वैल्यू आए इसमें सिर्फ और सिर्फ x का टर्म होना चाहिए, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ x का टर्म होना चाहिए। अगर इसका जो वैल्यू है 1 by n और 1 by n into dm by del m by del y minus del n by del x का जो वैल्यू है, अगर सिर्फ x का फंक्शन आए, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x का फंक्शन आना चाहिए, उसको डिनोट कर रहे हैं किससे, f of x से, तो देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन m dx और n dy, तो ये जो भी ये है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इंटू dx। तो रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले 1 by n लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डेल m by डेल y माइनस डेल n by डेल x इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन आता है, तो वो क्या हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर f ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में देखिए, m dx plus n dy, dx का कोफिशिएंट क्या है m, यहां dx का कोफिशिएंट क्या है ये पूरा टर्म, यहां dy का कोफिशिएंट क्या है n, यहां dy का कोफिशिएंट क्या है ये पूरा टर्म, तो m बराबर क्या हो गया, m बराबर ये टर्म हुआ, ठीक है, और n बराबर क्या हो गया, यहाँ पर से n बराबर 1 by 4 x plus x into x square, ये हो गया, ये m बराबर आ गया और ये n बराबर है। और सबसे पहले इसके अगर इस रूल से हम लोग को फाइंड करना है तो हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम लोग क्या दिखाना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो जो निकालना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर डेल m by डेल y लिखा हुआ है और माइनस में डेल n by डेल x, तो हम लोग क्या निकालते हैं, डेल m by डेल वाई निकालते हैं, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स का टर्म क्या होगा, कांस्टेंट के साथ ट्रीट होगा, वाई का डिफरेंशिएशन 1 by 3 को 3 रहने दिए, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर प्लस 1 by 2 into x, ये जो x है वो क्या है आपका कांस्टेंट के साथ ट्रीट होगा, तो यहां का इसका वैल्यू क्या हो गया 0, तो ये टर्म पूरा क्या हो गया गायब हो जाएगा, यहां से 3 से 3 काट देंगे तो यहां पर क्या आया 1 प्लस y स्क्वायर, डेल m बाय डेल y का वैल्यू क्या है 1 प्लस y स्क्वायर, उसी तरह डेल n बाय डेल y का डेल n बाय डेल x का वैल्यू निकालेंगे, n को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाय 4 रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर यहां पर y तो कांस्टेंट के साथ ट्रीट होगा, तो y का
तो y को रहने देते हैं, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पर क्या हो गया, del n by del x की वैल्यू 1 by 4, 1 plus y square, ये चीज आ रहा है यहां से। अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसका वैल्यू निकालते हैं, किसका 1 by n into del m by del y minus del n by del x, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं 1 by n, तो 1 by n, n का n के जगह पर क्या है 1 by 4 x plus y square, ये x into y square, जो m के जगह पर है यहां पर वही हम लोग लिख रहे हैं x into y square, ये सिर्फ 1 by n का वैल्यू हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं del m by del y और माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो क्या है यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू डेल एन बाई डेल वाई का माइनस 1 बाई 4 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से x x कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल पाता है, बचा क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों से 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, 1 plus y square, यहाँ पर क्या बचा 1 minus 1 by 4, यहाँ पर 4 into x, sorry 4 divided by x, 1 plus y square, इसको 1 plus y square cancel कर दे रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बच रहा है 1 by 4 x, 1 में से 1 by 4 subtract करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 by 4, यहाँ 4 से 4 cancel हो गया, क्या हो गया 3 by x, तो हम लोग क्या देखें कि 1 by n del m by del y minus del n by del x का वैल्यू क्या आ गया 3 by x, जो भी क्या है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन किसका है x का, इसमें सिर्फ x ही आ रहा है ना, x alone, which is a function of x alone, इसलिए इसको क्या मानिए f of x, इसलिए क्या हो गया f of x बराबर 3 by x, ठीक है, ये सारा चीज हमने यहाँ पर क्या किया मान लिए, लेकिन इस सब ये सारा चीज करने के पहले आपको पहले यहाँ पर चेक कर लेना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, एग्जैक्ट चेक करने का रूल क्या था, डेल एम बाय डेल एक्स डेल वाई निकालेंगे, डेल एम बाय डेल एक्स निकालेंगे दोनों का अलग अलग और देख लेंगे क्या दोनों अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो एग्जैक्ट नहीं है, उसके बाद से ये सारा प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 1 by n into del m by del y in minus del n by del x का वैल्यू क्या आ गया 3 by x, जो भी क्या है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है किसका x का, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या था फॉर्मूला e to the power f of x into dx, जो 1 by n into del m by del y minus del n by del x का जो वैल्यू आता है वो सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, तो जो वैल्यू है किसका फंक्शन है सिर्फ x का फंक्शन है, तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग f of x मान लिए सिर्फ और सिर्फ ये x का फंक्शन है, तो f of x बराबर कितना है f of x बराबर 1 by 3 x into dx, अब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया e to the power 3 by x into dx, अब 3 बाहर निकाल दी 1 by x into dx e to the power 3, अब 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, अब यहाँ पर ये जो 3 है इसको log x में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा क्यूब में बन जाएगा x का पावर क्यूब, ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला होता है क्या e टू द पावर, अगर यहाँ पर हम लोग log x है और यहाँ पर ये बेस e ही है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है x, उसी तरह से यहाँ पर e है यहाँ पर भी बेस e ही है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x क्यूब, तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया x क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल के आया x क्यूब, अब क्या करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन 1 जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करेंगे कि ये फिर एग्जैक्ट आया कि नहीं, और एग्जैक्ट हो गया उसके बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड करने का रूल है वही रूल से हम लोग इसका एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं नाउ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन
टू, नाउ मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन टू, हम लोग उसी से आप आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और वो क्या है, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन वन से, दोनों जगह मल्टीप्लाई करते थे एक्स क्यूब से, डी एक्स यहां पर भी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अभी एग्जैक्ट हुआ या नहीं। तो m बराबर क्या आ गया टर्म, ये पूरा है, n बराबर ये पूरा है, ठीक है। तो अभी m बराबर लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x क्यूब y प्लस 1 बाय 3 x क्यूब y क्यूब प्लस 1 बाय 2 x टू द पावर 5, उसी तरह से यहां पर n, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा को अंदर मल्टीप्लाई करते थे तो x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, फिर उसके बाद क्या होगा, सॉरी यहां पर x का पावर क्या आ जाएगा 5, x का पावर क्या हो जाएगा 5, और फिर पावर जुट जाएगा यहां 1 है, यहां एक मिनट 3 और 1 4, x का पावर 4 लोट। उसके बाद यहां से इसको यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, x का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 y स्क्वायर। अब निकालेंगे क्या, डेल m डिवाइडेड बाय डेल y, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का जो भी टर्म होगा कांस्टेंट का टर्म ट्रीट होगा, तो यहां x क्यूब y का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ 1 by 3 x cube, यहाँ पर y cube का differentiation 3y square plus, ये तो x जो है constant ठीक होगा, तो ये क्या हो गया 0, तो इसका value क्या हो गया x cube plus 1 by 3, ये 3 से 3 cancel हो गया, ये 3 से 3 cancel, इसका result क्या आ गया x cube और y square। अब उसी तरह n को किसके respect में differentiate करेंगे, x के respect में, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाय 4, x पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4x इनटू x क्यूब डिवाइडेड बाय 4, ये 4 यहां पर आ गया, प्लस x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर y क्या होगा कांस्टेंट, तो इसका यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x पावर 4 का 4 इनटू x क्यूब डिवाइडेड बाय 4, अब 4 से 4 कटा, 4 से 4 कटा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया x क्यूब प्लस y square into x, तो यहां से देखिए del m y del y का वैल्यू x cube plus a plus x cube into y square, यहां पर भी x cube plus y square into x square, मतलब दोनों का वैल्यू क्या आ गया बराबर आ गया। तो इसका मतलब जो ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन 2 हम लोग लाए, तो इक्वेशन 2 क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया क्या आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे सॉल्व हम लोग करते थे उसी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे, क्या फार्मूला था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इज, हम लिखेंगे क्या, mdx, m को x रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे जहां पर y कांस्टेंट होगा, प्लस n dy इक्वल टू c, और यहां क्या होगा n का वैसा टर्म लेंगे जो x को कंटेन ना करे, तो टर्म नॉट, यहां क्या लिखेंगे, टर्म नॉट कंटेनिंग x, तो m का वैल्यू जो है यहां से हम लोग लिखते थे, यहां से m का जो भी वैल्यू आया वो लिखते हैं हम लोग वहां पर, यहां से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके यहां लिखे हुए थे ना, तो m का वैल्यू यहां से हम लिखते हैं वहां पर जो भी आया, क्या आया था m का वैल्यू x cube y plus 1 by 3 x cube y cube plus 1 by 2 x to the power
फाइव डी एक्स प्लस एन का वैसा टर्म लेंगे जो एक्स को कंटेन ना कर रहा हो, ठीक है। तो सारा टर्म में क्या है, एक्स कंटेन है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी क्या हो गया, यहाँ पर तो कोई भी टर्म नहीं मिला, इसलिए यहाँ जीरो, जीरो का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, ये टर्म ही पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका एक डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, सबको अलग अलग कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 x^5 एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ बराबर में क्या है सी, ये तो जीरो हो गया, क्योंकि तो एन में कोई ऐसा टर्म मिला ही नहीं जो एक्स को कंटेन नहीं किया हुआ, सारा टर्म एक्स को कंटेन किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, सॉरी इंटीग्रेशन हो रहा है, तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x^4/4, फिर इसी तरह से यहाँ पर वाई क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, और किसका डिफरेंशिएशन होगा, और वाई क्यूब कांस्टेंट है, 1/3 भी कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका, एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x^4/4, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करके लिख रहे हैं हम यहाँ पर, प्लस फिर यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, x^5 का इंटीग्रेशन, x^6/6 = c, यही वो, यही वाला जो, यही ये जो सॉल्यूशन आया, यही आपका सॉल्यूशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2 या फिर बोलिए 1 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का। सबसे पहले ये जो एग्जैक्ट नहीं था, पहले चेक कर लेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट नहीं आया, उसके बाद हम लोग ये जो रूल पढ़े थे, रूल नंबर 3, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकाले थे। यहाँ पर क्या था, 1/n/(Δm) y, सॉरी (Δm/Δy)/Δn/Δx, इसका वैल्यू निकाले, उसका फंक्शन x आया, अगर वो x का ही फंक्शन आया तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e^f(x), मतलब ये क्या बोल रहा है, f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x, जो भी फंक्शन ऑफ x आया था वो यहाँ लिख दिए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किए, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से m और n का वैल्यू निकालें, और उसके बाद इसको m को फिर Δm/Δy के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किए, फिर n Δn/Δx को भी पार्शियल डिफरेंशिएट किए, उसके बाद देखें दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, मतलब ये इक्वेशन 2 क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करने का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड किए, तो एक बार आंसर इसका हम मैच कर लेते हैं। टोटल आपका ही यही यही सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 भी इसी तरीके से है, हम रूल नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। Δn/Δx - Δm/Δy इसका वैल्यू अलोन अ फंक्शन ऑफ y, अगर इसका वैल्यू जो भी निकाले इसमें सिर्फ और सिर्फ y का टर्म आया, मतलब ये फंक्शन ऑफ अगर y आया तो ये इक्वेशन जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e^f(y)(dy) इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। मतलब के रूल नंबर 4 क्या बोलता है, अगर 1/m, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन m dx + n dy के फॉर्म में है, तो
तो उसका जो वैल्यू निकालेंगे 1 बाई एम इंटू डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। अगर इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वाई का टर्म में आया, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, वाई का फंक्शन हो गया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई इंटू एफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई किसके रिस्पेक्ट में, डेल डी वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब इंटीग्रेशन करेंगे जो भी यहाँ जो फंक्शन आया वाई का, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे वाई के रिस्पेक्ट में। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, उसी से क्लियर होगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोग सबसे पहले उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, उसके बाद ही हम लोग कोई भी रूल अप्लाई करेंगे। पांच रूल हम लोग पढ़ेंगे, और चौथा रूल है तक पढ़ चुके हैं, उसके बाद ही हम लोग कोई रूल भी सब तो सारा रूल अप्लाई करेंगे, सारा मतलब जो भी रूल उसमें फिट होगा वो। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 3x² + 2xy d(x) + 2x³y³ - x² (dy) = 0। ठीक है, ये जो टर्म ये आया मेरा। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसको किसके फॉर्म में है, m dx और n dy, इसको पहले सबसे पहले चेक कर लेंगे हम लोग। इसके पिछले वाला में चेक करना था सबसे पहले हम लोग, हम चेक नहीं किए थे, लेकिन आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। यहाँ से m का वैल्यू क्या आ रहा है, 3x² y² + 2xy। यहाँ से n का वैल्यू क्या आ रहा है, dx साथ कौन मल्टीप्लाई है, m, और यहाँ dx साथ क्या मल्टीप्लाई है, ये टर्म, इसलिए m बराबर ये। यहाँ dy dy के साथ क्या मल्टीप्लाई है, n, और यहाँ dy के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ये टर्म, इसलिए n का वैल्यू वो। कंपेयर करके हम लोग निकाल लिए वैल्यूज। ठीक है, अब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं किसको, m को y के रिस्पेक्ट में, डेल y के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएट m को कर रहे किस किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या, x का जो टर्म होगा कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा, तो 3x² और इसका y के पावर 4 का इंटीग्रेशन 4y³ + 2xy का इंटीग्रेशन 1। इसका वैल्यू क्या आ गया आपका, 12x² * y³ + 2x। अब डेल एन को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, मतलब y कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसलिए यहां पर y का टर्म जो है कांस्टेंट हो जा रहा है। तो यहां पर 2 और y क्यू ये तो कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो 3 × x² - x² का डिफरेंशिएशन 2x। इसका वैल्यू क्या आ गया, 6x² * y³ - 2x। अब देखो यहाँ पर डेल एम बाय डेल वाई और डेल एम बाय डेल एक्स का जो वैल्यू है वो दोनों बराबर है क्या, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए इक्वेशन वन जो है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, इसीलिए इक्वेशन वन इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है नहीं, लेकिन हम लोग को अब एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग रूल अगर नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं, हम किसका वैल्यू निकालेंगे, 1 बाई एम डेल एम डेल एम सॉरी यहाँ पर क्या है, डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 1 बाय एम, एम का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर 3x² y² + 2xy, ये क्या है, m का वैल्यू है। अब डेल एन बाय डेल एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स क्या निकाले थे हम लोग, यहाँ से डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू लिख रहे हैं 6x² y³ - 2x, इसका वैल्यू निकाले थे। फिर डेल एम बाय डेल वाई, डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू क्या निकाले हुए, यहाँ से ये और क्या माइनस में, यहाँ लिख लेंगे डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू माइनस 12x² y³ + 2x। अब यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है निकाल देते हैं, यहाँ से 1 बाय एक्स वाई का तो कॉमन निकल रहा है,
एक्स वाई कॉमन निकल गया, तो क्या बचा, थ्री एक्स वाई क्यू प्लस टू, ये टर्म बचा यहाँ पर। अब यहाँ से देख रहे हैं ये माइनस है, अंदर जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर वाई क्यू के फॉर्म में, ये भी एक्स स्क्वायर वाई क्यू के फॉर्म में, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई क्यू और ये प्लस माइनस फोर एक्स। अब क्या करते हैं यहां से, यहां से टू एक्स, टू एक्स कॉमन यहां से, यहां से क्या करते हैं, टू एक्स कॉमन हम लोग ले लेते हैं, माइनस टू एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस टू एक्स हम लोग कॉमन ले लिए यहां से, तो माइनस टू एक्स कॉमन लेने यहां पर क्या बचा, थ्री एक्स वाई क्यू और यहां क्या बचा, टू एक्स कॉमन ले लिए यहां पर, यहां पर सिर्फ क्या बचा टू, इससे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, एक्स एक्स कौन कैंसिल हो गया, यहां पर क्या आया माइनस टू वाई। तो ये किसका फंक्शन सिर्फ आया, सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन आया, ये किसका फंक्शन आया, सिर्फ और सिर्फ वाई का फंक्शन है, यहां पर सिर्फ वाई टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। तो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर f ऑफ y इनटू dy होता है इसका। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर fy का वैल्यू क्या आ गया, सिर्फ इसका फंक्शन इसको सॉल्व किए तो किस क्या आया माइनस टू बाई वाई, यही क्या सिर्फ फंक्शन किसका है, वाई का फंक्शन है, उसका वैल्यू क्या आ गया माइनस टू बाई वाई इंटू डी वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं, माइनस टू को हम लोग क्या करते हैं बाहर कॉमन, इसको बाहर निकाल देते हैं, माइनस टू को हम लोग बाहर निकाल दिए वन बाई वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू वन बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग वाई। अब क्या करते हैं ये माइनस टू को वाई के पावर में ले जाते हैं, लॉग वाई का पावर माइनस टू, या फिर इसके और क्या लिख सकता है लॉग वन बाई वाई स्क्वायर। यहां पर भी बेस ई है, यहां पर भी बेस ई है, तो इसका टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा कुल मिला के वन बाई वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया टोटल हम लोग का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया वन बाई वाई स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इक्वेशन वन में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर से जो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि अब ये एग्जैक्ट हुआ कि नहीं, एग्जैक्ट हो जाएगा हम लोग का तब हम लोग फिर से जैसे एग्जैक्ट का जो सॉल्व करने का तरीका है उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। नाउ इक्वेशन वन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वन बाई वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वन बाई वाई स्क्वायर इंटू थ्री एक्स स्क्वायर वाई का पावर फोर प्लस टू एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस, इसको ही मल्टीप्लाई करें किससे करेंगे वन बाई वाई स्क्वायर से, क्यू वाई क्यू अब यहाँ से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जो x का कोफिशिएंट होता है वही m का वैल्यू होता है, और जो dy का कोफिशिएंट होता है वो n का वैल्यू होता है और ये m का वैल्यू होता है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 by y को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 by y अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर और y स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x y, m का वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x क्यू वाई, ठीक है, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब डेल m बाय डेल y निकालते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब x का जो टर्म होगा ऐसे कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो 3x स्क्वायर y स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, y स्क्वायर का वैल्यू
सॉरी y स्क्वायर का पार्शियल y y स्क्वायर को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 y प्लस 2 x तो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा ठीक है। 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस 1 डिवाइड बाय y स्क्वायर यही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाय y स्क्वायर इसका यही इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इसको टोटल सॉल्व करके लिखते हैं तो 6 x स्क्वायर y माइनस 2 x बाय y स्क्वायर डेल एन बाय डेल वाई का वैल्यू। अब डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं डेल एन बाय डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं मतलब y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा तो इसका क्या हो जाएगा x क्यूब का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x x स्क्वायर ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में तो माइनस y जो 1 बाय y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x यहां पर 6 x स्क्वायर y माइनस 2 x y स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स दोनों का वैल्यू क्या आ गया बराबर हो गया डेल एम बाय डेल वाई का वैल्यू डेल एन बाय डेल एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग 2 मान लेते हैं इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो रूल था वो रूल हम लोग फॉलो करते हैं तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जैसे उसको सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्या लिखते हैं क्या फॉर्म क्या है उसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई कॉन्स्टेंट फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई जहां पर क्या टर्म नॉट कंटेनिंग x n का वैसा टर्म जो x को कंटेन ना करे यहां पर लेंगे और यहां पर कांस्टेंट c m का जो भी वैल्यू है यहां से हम लोग लिख लेते हैं ये तो मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है तो क्या वैल्यू है m का 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x बाय y इसको dx के रूप में डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे फिर n n का जो भी वैल्यू है वो लिखते हैं हम लोग n का वैल्यू क्या है 2x क्यूब y एक मिनट n का हम लोग कैसा वैल्यू लेते हैं जो वैसा टर्म जो x को कंटेन ना करे लेकिन जो x का टर्म जो भी वैल्यू है उसमें सारा टर्म क्या है जो x को कंटेन कर रखा है इसलिए n का कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ ये का ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो बराबर c। अब जो है ये इसको जो भी यहाँ पर है इसको हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के dx के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर y d ऑफ x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 2x y इनटू dy यहां पर कांस्टेंट c। अब इसका इंटीग्रेशन 3y ये तो आपका कांस्टेंट है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस यहां पर 1 बाय y और 2 ये सारा आपका कांस्टेंट है x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू c हैज 3 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल x क्यूब y प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर बाय y इक्वल टू c। अब तो है तो यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x x y प्लस 1 बाय y इक्वल टू c तो यही आपका है इसका रिक्वायर मतलब इसका जो भी है इसका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। अब कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं जिससे ये जो भी 1 2 3 4 ये सारा रूल से आप बना सकते हैं तो एक मिनट क्वेश्चन निकाल तो ये है आपका बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है इसमें ये रूल नंबर 1 से बनेगा रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 एंड 4 से लेकिन एग्जाम में आपका ये नहीं लिखा रहा है कि कौन सा क्वेश्चन रूल नंबर 1 से बन रहा है 2 से बन रहा है 3 से बन रहा है 4 से बन रहा है आपको खुद से समझना पड़ेगा कि वो क्वेश्चन कैसे बन रहा होगा। तो ये सारा क्वेश्चन हम लिख चुके हैं यहाँ पर और उसके बगल में उसका आंसर्स भी है अगर आप बना रहे हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आपको क्वेश्चन बनाने का इच्छा है तो आप ये यहाँ से बना सकते हैं ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारा को पहले आप लोग चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं अगर एग्जैक्ट तो नहीं होगा लेकिन आप लोगों को पहले चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप लोग 1 से लेकर 4 तक रूल पढ़ चुके उस रूल के कौन से रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है
A1, 2 और A3 and 4 से ये बनेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे रूल नंबर 5 के साथ, ठीक है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।